डीईओ शिवपाल गोयल ते भुपिंदर कौर तो जवाब मंगया गया है। दोवें सिख्या अफसरां तो दो दिनों के अंदर जवाब मंगया गया है। बिना किसी हिदायत के 16 दिसंबर की छुट्टी के ऑर्डर क्यों जारी किए गए? तो डीसी ने यह पूछा है, सिख्या विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तो दस दईए कि छुट्टी करन दा स्कूलों के मामला है। बठिंडा के मौड़ मंडी के स्कूलों के छुट्टी की गई तो डीसी ने जिला सिख्या अफसर को यह नोटिस जारी किया है कि क्यों छुट्टी की गई है। और डीईओ शिवपाल गोयल ने और भुपिंदर कौर ने जिन्हों तो जवाब मंगया गया है और दोवें सिख्या अफसरों तो दो दिन के अंदर जवाब तलब करने कहा गया है। तो बिना किसी हिदायत दे 16 दिसंबर की छुट्टी के ऑर्डर क्यों किए गए? सूरज पान ने मेरे सहयोगी फोन लाइन से, सूरज की कुछ वजह से छुट्टी की कुछ जानकारी तुहाडे कोल है और हुण ये जो ऑर्डर हुए ने? देखो सुबह एक ऑर्डर वायरल होंगे ने जिस दे विच तर्क दिता गया कि पंजाब दे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है जिहड़ा होने वाला रैली का उसनू लैके 6 स्कूलों के नाम दिए गए थे। उस दे विच कहा सी गया सी कि पुलिस है सुरक्षा कर्मचारी ने उत्थे रहणगे उहदा प्रबंध किया जाए रहण दा। ईवन के इस तक लिखा गया सी कि जिहड़े स्कूल के मुखी ने उह देखणगे, उहनां दी देखरेख देखणगे, सफाई देखणगे। हालांकि उस तो बाद जो ऑर्डर वायरल होंदा तां किते ना किते जाके डिप्टी कमिश्नर इस गल का पता लगता तो उन्होंने इस चीज़ के जांचते आदेश दिए ने। दो दिनों के डीओ से डिप्टी डीओ को कहा गया कि तुम आपकी सफाई दो, आखिर कारण की होया, किन के कहने तुम ऑर्डर रिलीज किए गए, क्योंकि सरकार वनियों कोई भी इस तरह के ना तो आदेश हो ना ही इस तरह के ऑर्डर लैके प्रवानगी दी गई है। तो करके फिलहाल दो दिनों के आदेश किए हैं डिप्टी कमिश्नर ने कि डीओ से डिप्टी डीओ एक गल की जानकारी देन कि किन्ह के कहने ऑर्डर किए हैं, तो खिलाफ विभागी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी ली। तो यह सवाल किया गया है कि सरकार ने जो अजिहा कोई आदेश नहीं दिता कि छुट्टी की जानी है तो फिर किस पद्धर से जाके और किसके कहने पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया से, जिस तो बाद हुण जवाब मंगया गया। हुणे मैनू एक 1.5-2 घंटा पहला मैनू एक वट्सएप आया कि उन्होंने एक कोई चिट्ठी जी है स्कूल बंद करने के लिए 16th नू जारी की हुई है। तो मैं नाल ही उन्होंने फोन करके पूछा कि किदे आदेश के बेसिस से किया है, तो वो बड़े कंफ्यूज से कि सानू उत्थों फोन आया इत्थे फोन आया, पर मेरे नाल ना तो कभी गल की ना तो मैंने पूछा कि स्कूल बंद करने। वो सीनियर अधिकारी ने दोनों जिले के, तो उन्हों की जिम्मेवारी बनती सी कि 16 तारीख का जोड़ा है स्टेट पीटीएम का पूरे पंजाब होना है, तो जे जिला सिक्ख्या अफसर इसका ध्यान नहीं रखे तो डीसी के ध्यान भी नहीं लियाणगे, अपने पद्धर से ऑर्डर कर देंगे स्कूल बंद करने के, तो बहुत गंभीर मसला है। तो आप उन्होंने शोकाज नोटिस भी इशू किया है, तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई के लिए भी सरकार को लिख रहे हैं। तो नाल ही वो चिट्ठी भी जी है वो मैं नाल ही विदड्रॉ करा ली सी, जिमें ही मैंने वट्सअप आया तो मैं नाल ही वो विदड्रॉ कर। सर उन्होंने वालों दसा गया वो क्यों जिमें मैं कहा कि पुलिस या सिक्योरिटी रहने के लिए इंतजाम करना होंगे है जब भी आते हैं, तो जिहड़ी मैं जब साइट पर विजिट किया तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति उत्थे नहीं बुलाया सी, क्योंकि आप बिल्कुल क्लीयर सी कि आप स्कूल्स नू यूज नहीं करना है, पीटीएम है तो आप यूज नहीं करना है। तो मैं उन्होंने आदेश दिता सीगा कि इतने जिथे भी सानू कोई हॉल कोई धर्मशाला या कोई पैलेस मिलता है तुसी वो बुक करा लियो, तो उत्थे इंतजाम आसान हो जाता है। होर भी जो वक्त स्कूलों में भी करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो एक थान से हो जाए अरेंजमेंट तो साढ़े लिए भी जोड़ा है सौखा रहता है। तो मैं उन्होंने लोकेशन से पुलिस के अधिकारियों ये डायरेक्शन दी सी, पर हुण ये किवें हो गया किस तरीके नाल जोड़ा है उन्होंने गलत या किसने इन्हों दसिया है वो आप बाद चेक भी कर लेंगे, इन्हों जो जवाब आएगा तो वह भी पता लग जाऊगा कि कहने पर।